एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा हमारे जीवन में जो शुभ तत्व है, शुभ चिंतन है, शुभ वाणी है, जो जो हमारे शुभ कर्म हैं, वो ही शिव कहे जाते हैं। शुभ चिंतन ही शिव चिंतन कल्याण करने वाला कहा जाता है। शुभ शुभ वचन, शुभ शुभ बोलना, शुभ शुभ सोचना, शुभ कर्मों का करना, ये ही शिव तत्व कहा गया है। इस शिव तत्व को धारण करने वाला पुरुष ही शिव कहा जाता है, कल्याण करने वाला कहा जाता है। अशुभ चिंतन, अशुभ वचन, अशुभ कर्म, ये सब हमारे जीवन को अशुभ अशांत बना देते हैं और हमारी आत्मा को पतन की तरफ ले जाते हैं। धर्म आचरण का जितना भी विज्ञान है वह इन दो शब्दों के ऊपर टिका हुआ है, शुभ और अशुभ, या कह सकते हैं शिव और अशिव। ईश्वर का मार्ग शिव मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। बुराइयों का मार्ग दुष्ट चिंतन, दुष्ट वचन, दुष्ट कर्म, अशिव, अशुभ, अशांति और जीवन के पतन का मार्ग है। जिन्होंने अपने जीवन में इस शिव तत्व को धारण कर लिया है वे ही पुरुष आर्य कहे जाते हैं, वे ही देवता कहे जाते हैं, वे ही उस परम ब्रह्म की मित्र आत्माएं कही जाती हैं। वैदिक छंद संख्या 30 ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम अग्नि मूर्धा दिवः, वह ज्योति पुरुष परमात्मा मुझको ज्योति शिखर की तरफ को ले जाता है। ककुतपतिः पृथ्वयाः अयम, मेरे भीतर ही उसके अमृत का झरना है। जिस अमृत झरने में देवगण स्नान करते हैं, मेरे तन के तीर्थ में देवता स्नान करें, जपते एक निरंजन एक का ध्यान करें, अपाम रेतांसि जिनवती,
इस जीवन के रहते रहते ही उस परम ब्रह्म के ज्योतिर शिखर की तरफ को चलो। अपने जीवन काल में ही ये ईश्वरीय यात्रा हमें पूर्ण कर लेनी चाहिए। शुभ तत्व के पंख लगा के, शुभ चिंतन के पंख लगा के ईश्वरीय वाणी का बार बार श्रवण करके उसको सुनते हुए धारण करते हुए गुरु की वाणी का बार बार चिंतन करते हुए इस आत्मा के आंचल में एक दीपक को हमें जलाना है और ये निश्चय करना है कि अपने जीवन काल में भी एक दिन हमारी आत्मा उस आदि पुरुष ज्योति पुरुष परमात्मा से जाकर के मिलेगी। गली गलियारों में बहता हुआ गंदा पानी भी बहता बहता नदी में पहुंच जाए, गंगा में पहुंच जाए, तो उस गंगा से मिलके वो गंगा जल हो जाता है देवगणों और ऋषिगणों के द्वारा पूजित आराधित हो जाता है। ऐसे ही ये हमारी जीव आत्मा, हमारा धर्म आचरण, सत्य आचरण हमारी आत्मा को ज्योतिर्मान बनाता है। सतगुरु के पीछे पीछे चलती हुई ये जीव आत्मा एक छोटी सी जलधारा उस महानद अमृत सागर में ज्योतिर सिंधु में जाकर के मिल जाती है। इसका मिलना ही मोक्ष और निर्वाण कहा जाता है। बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के एक दिन मिलेगी तुमसे आके मेरी आत्मा मेरे परमात्मा ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा।
बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, एक दिन मिलेगी तुमसे आके मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, एक दिन मिलेगी तुमसे आके मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। ज्योति पुरुष, तेरे नेत्रों की ज्योति से असंख्य नक्षत्र तारा गण चमकते हैं, तेरे नेत्रों का प्रकाश मेरे नेत्रों पर पड़ता है, तेरा उजाला मेरी आंखों को ज्योतिर्मान करता है, मेरी हर सांस तेरे नाम को पुकारती है, रात दिन तेरा ही जिक्र देवता फरिश्ते ऋषिगण और पवित्र आत्मा वाले मनुष्य करते रहते हैं, तेरा उजाला मेरी आंखों में, तेरा स्मरण मेरी आंसों में, तेरा उजाला मेरी आंखों में, तेरा स्मरण मेरी सांसों में, तेरा उजाला मेरी आंखों में, तेरा स्मरण मेरी सांसों में, तेरा उजाला मेरी आंखों में, तेरा स्मरण मेरी सांसों में, तेरा जिक्र मेरी बातों में, तू मेरे दिन रातों में, तेरा जिक्र मेरी बातों में, तू मेरे दिन रातों में। हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ, हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, एक दिन मिलेगी तुझसे आके मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, ओ मेरे मेहरबान
मेरे परमात्मा, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पर्वत श्रृंखलाओं में कुछ गुफाएं थीं, जहां महादेव शिव का आश्रम था। वहां पर शिव अपने कुछ शिष्यों के संग निवास करते थे। उन शिष्यों की देखभाल शिव के मुख्य गण नंदी किया करते थे। उन साधु गणों में एक साधु था जिसका नाम था झामर। झामर पैर में पहनने की झामर होती है। उसकी मां ने बचपन में उसका नाम झामर रख दिया था, और वो स्त्री इतनी ज्ञानवंत थी, उसको अपने पिछले जन्मों की याद थी। अपने पिछले जन्म में वह सिद्ध यक्षिणी थी। पिछले जन्म में उसको कितने ही सिद्धियां शक्तियां प्राप्त थीं। अगले जन्म में वर्तमान काल में जब ये पुत्र उसको उत्पन्न हुआ, कुछ बड़ा हुआ, तक्षशिला में विद्या और शिल्प उसने सीखा। जब वो वहां से वापस आया, उसकी मां उसका हाथ पकड़ के भगवान शिव के आश्रम में ले गई। कहा, प्रभु ये मेरा पुत्र है, आपका सेवक है, आप इसे जीवन भर अपने चरणों में रखने की अनुकंपा करें, कृपा करें, और ये सदा ब्रह्म मार्ग में चलता रहे, देव मार्ग में चलता रहे, इसकी त्रुटियों को आप क्षमा करते रहे। अब वह झामर वहां रहने लगा। उसका स्वभाव चंचल था, बात बात में अपनी तारीफें करता, दूसरे साधु गणों पर रौब जमाता। अरे तुम्हें मालूम नहीं मैं कितने उच्च कुल का हूं, तुमको मेरे गोत्र आदि का पता नहीं, यहां साधु हो गया हूं तो ऐसा रूखा सूखा खाना पड़ता है। अपने पिता के घर में मैं किसी राजा महाराजा की तरह रहा करता था। हमारे नौकर चाकर भी रेशमी वस्त्र पहनते थे,
एक से एक स्वादिष्ट पकवान खाया करते थे। अब साधु हो ही गए हैं तो क्या करें, रूखा सूखा जूठा बचा कुचा ये ही सब भाग्य में लिखा है। नंदी उसको बार बार समझाते, झामर तुमको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, हम सब लोग सिद्ध गुरु के अनुशासन में हैं। ईश्वर स्वरूप शिव जैसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। और एक दिन वो ऐसे ही डींग मार रहा था, सुनते हुए शिव आ गए। नंदी ने उन बातों को छुपाना चाहा, कहीं शिव क्रोध न करने लगे। शिव ने पूछा, क्या बातें हो रही हैं नंदी? कहा, कुछ नहीं प्रभु, ऐसे ही झामर अपनी बातें कहता रहता है अतीत काल की। मैं इसको कहता हूं, एक साधु को बीते समय को याद नहीं करना चाहिए। शिव ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं ये पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। पिछले जन्म में बीच में ही इसने सन्यास के मार्ग को त्याग दिया था नंदी, और ये जब अपनी मां के पास पहुंचा, इसकी मां बड़ी दुखित हुई। अपनी सिद्धि के बल से वह इसके भीतर प्रवेश कर गई और इसको पागलों की तरह नचा डाला। जगह जगह टक्कर मारता, गिरता, बेहोश होता। पंडितों ने पूछा, ब्राह्मणों ने पूछा, क्या है, क्या हुआ है? इसके भीतर से इसकी सिद्ध यक्षिणी मां बोली, ये मेरा पुत्र है, नालायक है। ब्रह्म अनुशासन को त्याग कर गृहस्थी बनने के लिए मनुष्यों के समाज में वापस आ गया है, ये भाग्यहीन है। ऐसे पुत्र का मैं क्या करूंगी, मैं इसको जान से मार डालूंगी। जो पुरुष एक बार ब्रह्म मार्ग में गया, सन्यासी हो गया, और फिर वो सन्यास मार्ग का त्याग कर देता है, फिर से गृहस्थ में प्रवेश करता है, वह अग्नि में जलते हुए घर में प्रवेश करता है, गर्म राख के ऊपर सोता हुआ, मानो वह अपने संपूर्ण जीवन को दग्ध करता है। समाज में उसकी और उसके परिवार जनों की निंदा होती है। किसी तरह से ब्राह्मणों ने पूजा अर्चना करके उस यक्षिणी को मनाया और कहा, हम इसको समझा के दोबारा सन्यास मार्ग में प्रेरित कर देंगे, हम वचन देते हैं। तब उसके प्राण बचे, किंतु वह झामर फिर भी इधर उधर घूमता रहता। ऋषियों के वाणी, उनके वचन, उनका तपोवाचरण उसको अच्छा नहीं लगता। चोरों में जाके शामिल हो गया, चोरी चकारी करने लगा, दुष्ट पुरुषों को उसने अपना मित्र बना लिया।
वहां से किसी तरह से हटा, फिर से धर्म मार्ग में आया। शिव ने कहा, नंदी उस समय तुम्हारा भी एक जन्म हुआ था, तुम्हारा नाम था भीमसेन। वो जो भीमसेन था बड़ा ही गहर गंभीर धर्मात्मा, ईश्वर तत्व को जानने वाला व्यक्ति था। उसकी भेंट इस झामर से हुई। यह देखने में बड़ा लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट बड़ा सुंदर स्वर्ग के देवताओं जैसा इसका स्वरूप था। और भीमसेन छोटे कद का, आगे को झुका हुआ, किंतु महान ज्ञानी पुरुष था। उस भीमसेन ने इस झामर की उल्टी सीधी हरकतों को देखा और कहा, झामर तुम्हारा मन संन्यास मार्ग में नहीं लगता, मैं जानता हूं। चलो एक काम करते हैं, सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए तुम और हम दोनों पुरुषार्थ करते हैं। यहां का जो राजा है उसके यहां चलते हैं। तुम देखने में सुंदर लंबे और मैं देखने में ठिकना झुका हुआ, मुझ में असीम बल सामर्थ है, किंतु मेरा कद छोटा होने के कारण कोई भी मुझे बलवान नहीं समझ सकता। इस पूरे हिमवंत प्रदेश में मुझ जैसा तीर चलाने वाला धनुषधारी दूसरा नहीं। तुम केवल मेरे सामने खड़े रहना, मैं पीछे से सारे कार्य करता रहूंगा। वे दोनों राजमहल गए और राजा ने उन दोनों को देखा। भीमसेन ने जो बात उस झामर को समझाई थी वो ही उसने कही, राजा ये छोटा सा जो व्यक्ति है ये तो मेरा सेवक है और मैं इसका स्वामी हूं और मैं संपूर्ण हिमवंत प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। तुम्हारे यहां हम दोनों निवास करना चाहते हैं, तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। राजा ने कहा, उचित है, मैं तुम दोनों को 1,000 स्वर्ण मुद्रा 1 माह में दिया करूंगा और जो ऐसा कार्य होगा वो तुम दोनों को करना पड़ेगा। कहा, ठीक है। उस राज्य में चोरों का, दस्यु लोगों का बड़ा आतंक था। राजा ने कहा, भीमसेन उधर जाओ और झामर तुम भी जाओ, उनका दमन करो। उस झामर को कुछ तीर वीर चलाना आता कुछ नहीं था, सारे काम वो भीमसेन करता था। और वहां जाके उन दोनों ने, दोनों क्या, केवल भीमसेन ने सबका दमन कर दिया। प्रजाजन उनकी प्रशंसा करते हुए राजा के पास आए। कुछ दिनों में वहां जंगली भैंसों का आतंक फैला।
वे जंगली भैंसे भी उस ठिगने भीमसेन ने नंदी ने वहां से भगा दिए, कुछ मार दिए। ऐसे ही जंगली भेड़ियों और सिंहों को भी उसने वश में कर लिया। तभी उस झामर ने सोचा, बेकार इसको साथ में रखने से क्या फायदा, सारे काम तो मैं हो कर रहा हूं, जय जयकार तो मेरी हो रही है। अब वो उसकी बातें सुनता नहीं था झामर। तभी एक राजा ने आक्रमण कर दिया। हाथी सजा के वो झामर तीर कमान अस्त्र शस्त्र लेके हाथी पे बैठ के गया। पीछे पीछे भीमसेन भी गया। किसको तो कुछ आता ही नहीं है, अहंकार अहंकार है, युद्ध में ये मारा जाएगा इसलिए मेरा जाना अति आवश्यक है। और वही हुआ। भीषण युद्ध को देख के उस झामर के छक्के छूट गए, वस्त्र खराब हो गए, गंदगी हाथी के ऊपर से नीचे को बहने लगी। बड़े मुश्किल से भीमसेन ने उसको पकड़ा। सावधान, चुपचाप बैठा रहे, भागना नहीं, नीचे को कूदना नहीं, मैं खुद देख लूंगा। और उसमें भी वो विजयी हुए और राजा से कहा, हे राजन, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, मुझे इस अपने साथी को कुछ शिक्षा देनी थी, अब इसका घमंड टूट गया है, अब हम लोगों को सन्यास मार्ग में जाना है, हम पहले से ही सन्यासी हैं, किंतु इसके कुछ कर्म शेष थे इसलिए इसको लेके मुझे यहां आना पड़ा। और वे फिर दोनों उसी ब्रह्म मार्ग में चले गए। शिव ने कहा, हे नंदी, उस जन्म में वो ठिगने कद वाले महापराक्रमी भीमसेन तुम ही थे और ये झामर पहले भी ऐसा ही कायर, डींग मारने वाला, बातें बनाने वाला, उछल कूद करने वाला, कई कई बार ब्रह्म मार्ग का त्याग करने वाला था। सो कोई बात नहीं, इस जन्म में भी इसका स्वभाव ऐसा ही है। नंदी ने अपना मस्तक शिव के चरणों पर रखा, कहा, प्रभु आप हम दोनों को क्षमा कर दीजिए, हमारी आत्मा अशुद्ध है, हम लोग बड़े निर्बल हैं, कमजोर हैं, अशुद्ध हैं। शिव ने कहा, जो व्यक्ति विनम्रता को धारण करता है, जो व्यक्ति बनावट घमंड को त्याग देता है, बड़े बड़े बोल जो नहीं बोलता, वह धर्म में स्थित हो जाता है। मौन रहने वाला व्यक्ति देवगणों की वार्ता को सुनने लगता है, समल समल के चलने वाला व्यक्ति ठोकरें खाने से बच जाता है। हे नंदी, ये धर्म का मार्ग कोई एक दो दिन के लिए नहीं होता, एक दो जन्म के लिए नहीं होता, ना जाने कितने जन्मों तक आत्माएं इस मार्ग में चलती हैं और फिसल फिसल के गिरती हैं। सावधानी पूर्वक
विनम्रता पूर्वक झुक झुक के जो चलते हैं वो ही पर्वत के शिखर पे पहुंचते हैं। बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, एक दिन मिलेगी तुमसे आके मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। इस तन के शीशे में हे आदि ब्रह्मा मैं निस्दिन तेरे ही रूप को देखता हूं, आंखों की खिड़की जब खोलता और बंद करता हूं तेरे गगन से तेरा चांदना मेरी आत्मा की तरफ उतरता है। तन के शीशे में देखूं निस्दिन तेरा रूप, तन के शीशे में देखूं निस्दिन तेरा रूप, ओ तन के शीशे में देखूं निस्दिन तेरा रूप, तन के शीशे में देखूं निस्दिन तेरा रूप, आंखों की खिड़की खोली तो आई गगन से धूप, आंखों की खिड़की खोली तो आई गगन से धूप, हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ, हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, एक दिन मिलेगी तुमसे आके मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा मेरे परमात्मा। बागों में जब जब फूल खिले हमसे फरिश्ते आके मिले, बागों में जब जब फूल खिले हमसे फरिश्ते आके मिले, ओ
बागों में जब जब फूल खिले हमसे फरिश्ते आके मिले। बागों में जब जब फूल खिले हमसे फरिश्ते आके मिले। अंधियारों में जिक्र तेरा रात में जैसे धूप खिले। अंधियारों में जिक्र तेरा रात में जैसे धूप खिले। हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ। हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ। ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के। बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के। एक दिन मिलेगी तुमसे आके मेरी आत्मा मेरे परमात्मा। मेरी आत्मा मेरे परमात्मा। मेरी आत्मा मेरे परमात्मा। आँखों में नींद नहीं आवे बैठे बैठे रात गुजर जावे। आँखों में नींद नहीं आवे बैठे बैठे रात गुजर जावे। आँखों में नींद नहीं आवे वे आँखों में नींद नहीं आवे बैठे बैठे रात गुजर जावे। आँखों में नींद नहीं आवे बैठे बैठे रात गुजर जावे। कोई पकड़ के हाथ मेरा दूर गगन में ले जावे। कोई पकड़ के हाथ मेरा दूर गगन में ले जावे। हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ। हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ। ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा। बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के। बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के। एक दिन मिलेगी तुमसे आके मेरी आत्मा मेरे परमात्मा। मेरी आत्मा मेरे परमात्मा। मेरी आत्मा मेरे परमात्मा।
पर्वत पर्वत मैं फिरी नैन गवाए रोए, पर्वत पर्वत मैं फिरी नैन गवाए रोए, नैन गवाए रोए मैंने रैन गवाए रोए, नैन गवाए रोए मैंने गवाए रोए, पर्वत पर्वत मैं फिरी नैन गवाए रोए, पर्वत पर्वत मैं फिरी नैन गवाए रोए, सुन सखी सच्चे साजन से जन कब मिलना होए, सुन सखी सच्चे साजन से जन कब मिलना होए, हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ, हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, एक दिन मिले कि तुमसे आके मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, शाम ढले फूलों की महक पंच परिंदों की चहक, शाम ढले फूलों की महक पंच परिंदों की चहक, शाम ढले फूलों की महक पंच परिंदों की चहक, शाम ढले फूलों की महक पंच परिंदों की चहक, कभी न आँखों में दहक तुमसे मिलने की लहक, कभी न आँखों में दहक तुमसे मिलने की लहक, सबको छोड़ उड़े पंछी लौट के ना आए पंछी, सबको छोड़ उड़े पंछी लौट के ना आए पंछी, छोड़ के मेरे देश को कौन से देश गए पंछी, छोड़ के मेरे देश को कौन से देश गए पंछी, हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ, हे परमेश्वर मैंने तुझको ढूंढा कहाँ कहाँ, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, बादलों के पंख लगा के आंचल में एक दीप छुपा के, एक दिन मिलेगी तुमसे आके मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा मेरे परमात्मा, ओ मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा, ओ मेरे मेहरबान
मेरे परे महात्मा मेरे मेहरबान मेरे परमात्मा मेरे मेहरबान मेरे परे महात्मा मेरे में वैदिक छंद में हमारे प्राचीन ऋषि कह रहे हैं ओम अग्नि मूर्धा दिवः हे ज्योति पुरुष तू मुझे अपनी ज्योति शिखर की तरफ ले चल ककुतपतिः पृथ्व्याः अयम तूने मेरे भीतर अपने अमृत का झरना बहाया है अपामृतांसि जिनवति किंतु इस झरने की तरफ जीते जी चलना तो मुझको ही है अमृत का झरना बह रहा है और मैं विष के नदी नालों में स्नान करता फिरूं अथर्व वेद के ऋषि कहते हैं एता अश्व प्लवन्ते अपने मन को अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को घोड़ों को पवित्र बनाओ जिससे इंद्रिय रूपी ये घोड़े ये अश्व आत्मा के इस ज्योतिर्मान रथ को उत्तर पथ में ईश्वरीय पथ में ज्योति शिखर की तरफ को ले चलें सतगुरु देव असीस कब मिलें कंत हमारे पार ब्रह्म प्रीतम सतगुरु देव असीस कब मिलें कंत हमारे तन मन धन जीवन रतन तन मन धन जीवन रतन सब तेरे चरणों पे वारे तन मन धन जीवन रतन सब तेरे चरणों पे वारे सतगुरु देव असीस कब मिलें कंत हमारे गुरु से जिसे उजियार मिले उसको प्रभ निरंकार मिले सतगुरु का अमृत कृपा मेहर जिन पे बरसती है प्रभ प्रीतम स्वम उनसे आकर के मिलता है गुरु से जिसे उजियार मिले उसको प्रभ निरंकार मिले उसको बसंत बहार मिले दोनों जहान का उसको प्यार मिले गुरु से जिसे उजियार मिले उसको प्रभ निरंकार मिले उसको बसंत बहार मिले दोनों जहान का प्यार मिले नीच कर्म मैंने किए इसलिए तो दुख सहे यदि हम दुखी हैं यदि हम अशांत हैं तो दूसरों को किसी को भी हम दोष लगाते फिरें कोई ना किसी का सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता
अपने ही कर्मों से मनुष्य को दुख संताप पीड़ा वेदना पतन अवनति गिरावट अपने विचार अपनी वाणी अपने कर्म ही हमें उच्चता में ले जाते हैं और अपने कर्म ही हमको ठोकरें खिलवाते हैं। नीच कर्म मैंने किए इसलिए तो दुख सहे मेरे दुख मेरे ही कर्मों का परिणाम है किसी और का नहीं। नीच कर्म मैंने किए इसलिए तो दुख सहे तुझको भुला के परमेश्वर पाप की नदी में जीव बहे। नीच कर्म मैंने किए इसलिए तो दुख सहे तुझको भुला के परमेश्वर पाप की नदी में जीव बहे। प्याला पीने मैं गई मांगे शीस कलाल कलाल प्याला पिलाने वाला प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्षिणा दे लोभी शीस न दे सके नाम प्रेम का ले। प्याला पीने मैं गई मांगे शीस कलाल परमात्मा सतगुरु जो हमें अमृत का प्याला पिलाते हैं। प्याला पीने मैं गई मांगे शीस कलाल प्रभ कारण जोगन बनी जग में फिरी बेहाल। प्रभ कारण जोगन बनी जग में फिरी बेहाल। फाड़ दुपट्टा फेंक दिया मैंने चूड़ियां दी उतार संसारी प्रेम को मैंने एक तरफ गड्ढे में डाल दिया। संसार का प्रेम आत्मा का पतन करता है। फाड़ दुपट्टा फेंक दिया मैंने चूड़ियां दी उतार जिस कारण जन्म धरा जब वो ही ना मिला करतार। इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे प्रेम में कमी कपट तुच्छता बनी रही। फाड़ दुपट्टा फेंक दिया मैंने चूड़ियां दी उतार जिस कारण जन्म धरा मिला ना वो करतार। मुझ में समाया था कोई झांकता रहता था कोई कोई कौन वो ही आदि पुरुष। मुझ में समाया था कोई झांकता रहता था कोई पानी में परछाई हिली जहां का तहां खो गया कोई। पानी में परछाई हिली जहां का तहां खो गया कोई। फुल संदेह वाले बाबा कहें करो अलख पुरख की वंदना। फुल संदेह वाले बाबा कहें करो अलख पुरख की वंदना। माटी के घर में गगन से उतरे झिलमिल चांदना। माटी के घर में गगन से उतरे झिलमिल चांदना। उतरे झिलमिल चांदना। उतरे झिलमिल चांदना। इक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।